हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी टेट का पेपर। यह पेपर सेकंड है, जो कि कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए होता है। और इसमें हम बात करेंगे भाषा द्वितीय हिंदी के ऊपर, यानी कि जिन लोगों ने भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी को चुना है, वो इस पेपर को ज़रूर देखें, अपने प्रश्नों को मिला लें। तो चलिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले 121 से 150 तक के सवालों में 121 से 128 तक यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ करके हमें उत्तर देने थे। तो इसमें 121 का जो सही आंसर है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्यों को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि भाग को पहचान कर चिन्ह कीजिए। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ती हुई देखी जाती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है पहला। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द हैं कर्मशः, इसका भी सही आंसर है पहला आगत और दूसरा तत्सम। आगत यानी कि जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं उन्हें आगत कहते हैं, और शिक्षा जो शब्द है वह है तत्सम शब्द। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कर्मशः है, इसका जो सही आंसर है वह है उप और ता, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण है, तो गद्यांश के अनुसार जो इसका जो सही कारण है वह है बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। भारत के लिए शुभ संकेत हैं, तो जो गद्यांश के हिसाब से इसका सही आंसर है वह है पहला हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है, तो इनमें जो कौन सा कारण है जो नहीं है, इसका सही आंसर है अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक और गद्यांश है, इसको पढ़ करके भी हमें आंसर देने थे। चलिए देखते हैं इसमें कौन से आंसर है, आप मैच कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न पे डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम बाहर से नहीं भीतर से भी अच्छे बने, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। लेखक द्वारा आकर्षक का नियम किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। फूलों के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है, तो इसमें आकर्षित जो विशेषण है वह अनुपयुक्त है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो, इसका जो सही आंसर है वह है रूप स्वरूप। बाकी अन्य विलोम शब्द हैं, जैसे सद्गुण का दुर्गुण, सुंदर असुंदर, आकर्षक का विकर्षण। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है गुणी जनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। केवल मात्र भार से नहीं मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा, इसमें जो अशुद्धि है वह है पहले भाग में। यहाँ पे केवल और मात्र दोनों एक साथ आए हैं, जो कि निपात होते हैं, दोनों में से एक का ही यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए था। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा, वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी।
136 से 150 तक में सही विकल्पों का चयन करना है। आठवीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। यह अभिव्यक्ति करने में सबसे कम सहायक है क्योंकि बच्चा इस घटना को याद करके वैसे ही डर जाएगा, तो इसलिए यह सबसे कम सहायक है। बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी है यानी हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है इसका जो सही आंसर है वह है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ कराना यह हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? बच्चों का स्तर और रुचि। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न हैं तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी हुई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है तो वह है जांच सूची। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है जो राधिका द्वारा संज्ञा पढ़ाने में प्रयुक्त विधि है व्याकरण की वह है आगमन विधि। आगमन विधि में जब हम किसी को व्याकरण पढ़ाते हैं तो पहले उसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं और फिर उसकी परिभाषा को हम बताते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी सवाल में संदेह है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।